अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो पंजाब में नई पेंशन स्कीम नाफिस कर दी गई। ठीक है, गवर्नर पंजाब ने सिविल सर्विस सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है और तरमीम एक्ट जारी भी कर दिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाले 5 एक्ट की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट में एक एक्ट जो है वो पेंशन का है। ये जो 5 एक्ट पास किए उनमें से जो लास्ट है, पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीम में एक्ट 2024, ये जो है ये है जनाब पेंशंस का। आगे क्या लिखते हैं जनाब, पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 के निफास के बाद नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन एक मुतय्यन करदा कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। तो जनाब, ये जो है अखबारात में भी आ चुका है ये, और ये न्यूज़ है वो आज न्यूज़ की है। तो जनाब, नई पेंशन स्कीम का इतलाक किन मुलाजमीन पे होगा, मुकम्मल डिटेल्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि जनाब, इस एक्ट में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जनाब, जो पुराने पेंशनर्स हैं, मतलब अगर जुलाई पिछले महीने जून, इस महीने जून से भी किसी का पेंशन स्टार्ट हुआ है तो वो ये नए पेंशन एक्ट का हिस्सा नहीं है। मतलब ये जो नया पेंशन एक्ट आया है ये नए पेंशनर्स के लिए हैं, जो पेंशनर्स जुलाई 2024 से जिनको पेंशन मिलना शुरू होगी। जुलाई 2024 से पहले जिन लोगों को पेंशन मिल रहा था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, उनको एज़ इट इज़ जो पेंशनर है वो पेंशन है वो मिलता रहेगा। मतलब बेटी का पेंशन हो गया, बेवा बेटी का पेंशन हो गया, और जो अदर्स हैं, जो अदर बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे। पुराने पेंशनर्स पे इसका इतलाक़ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो नए पेंशनर्स होंगे, मतलब जुलाई 2024 से जो लोग नए पेंशन होंगे उन पर ये इतलाक़ होगा। इस एक्ट में बहुत ही क्लियरली ये मेंशन कर दिया है। अच्छा, जनरल तरमीम क्या है वो भी हम देखते हैं, और ये जो बिल आया है हमारे पास उस पर भी एक नज़र डालते हैं। अच्छा, इस एक्ट को अगर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो शायद वीडियो दो घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो चंद तरामीम हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है, डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम को इस एक्ट में, ये देख मैं आपको दिखा भी दूँ, ये है इन्होंने डिफाइन, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरमीम की। ठीक है, जो भी चेंजेस है सिर्फ उसी की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे तो घंटों की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, जो तरमीम हुई है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे आपको दिख रहा होगा कि मैं पढ़ के भी सुना दूँ आप लोगों को, 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन और 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज पार्टिसिपेटिंग इन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। ठीक है, मतलब नई पेंशन स्कीम में शमूलियत के लिए 20 साल का सर्विस होना ज़रूरी है नए एक्ट के मुताबिक। अच्छा, इस जो तरमीम है उसमें एक चीज़ और भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया है कि अगर मुलाजिम को गवर्नमेंट जो है वो फायर कर देती है, मतलब जॉब से निकाल देती है, तो फिर उसको पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। दूसरे बेनिफिट्स अगर उसके कुछ हैं तो वो मिल जाए, जैसे अगर उसका कोई फ़ंड्स वगैरह है, ग्रेजुटी वगैरह, अगर ये चीज़ें हैं, कोई फ़ंड्स ऐसे ही वो मिल जाएंगी, लेकिन वो उसको पेंशन जो है गवर्नमेंट के फायर करने पर या निकालने पर नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो तरमीम है वो ये भी है कि जनाब, अगर किसी मुलाजिम के दौरान सर्विस या सर्विस के बाद इंतकाल हो जाता है तो इसको इसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। ये देखो, आपको टॉप का ही टॉपिक दिख रहा है, मैं पढ़ के सुना भी दूँ, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सच सिविल सर्वेंट वेदर बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की डेथ होती है, हिज फैमिली शैल बी इंटाइटल टू रिसीव सच पेंशन, उसकी फैमिली जो है एलिजिबल होगी उसके पेंशन लेने की। ठीक है, रिपीट करता हूँ उस तरमीम को, अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है दौरान सर्विस या सर्विस के बाद, तो उसकी जो फैमिली होगी वो पेंशन की हकदार होगी। अच्छा,
वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट है और वो रेगुलाइज होते हैं, मतलब परमानेंट हो जाते हैं या रेगुलाइज हो जाते हैं, तो उनको जो पेंशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल कुछ टीचर्स वगैरह सपोज कर लेते हैं या कोई और है जो जिनको रेगुलाइज किया जाता है जुलाई 2024 में, तो फिर वो जो ये जो नए तरमीम एक्ट है उसके तहत, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जो भी नए पेंशनर्स होंगे जो रेगुलाइज होते हैं, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं और फिर जो गवर्नमेंट है वो अगले महीने जुलाई में उनको परमानेंट कर देती है, रेगुलाइज कर देती है, तो वो फिर जो है क्या होंगे जनाब, पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन नए एक्ट 2024 के मुताबिक। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत उनको जो है पेंशन मिलेगी। तो जनाब पंजाब में जो है वो पेंशन स्कीम पेंशन असलाहत नाफिस हो गई, गवर्नर्स पे इस तरमीम में साइन भी कर दिया, एक्ट जारी भी कर दिया है 2024 से। ठीक है, 1974 में की तरमीम जो एक्ट है उसमें तब्दीली की गई है और अब वो 2024 का एक्ट बन गया। ठीक है, मज़ीद इसमें और भी चेंजेस आएगी और भी इसके ऊपर सर्कुलर आएंगे, जैसे जैसे आएंगे हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।